नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका अपना भरत कखड़। सो गाइस, फिर से हाजिर हो चुका एक न्यू ब्लॉग लेकर। आपने पहले वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर पहले वाला ब्लॉग देखो, उसके बाद आपको ये वाला ब्लॉग समझ आएगा। और जिन्होंने देखा है आप बने रहिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि शूटिंग कैसे होती है, कैसे हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम कैसे काम करते हैं, मतलब सब बताया था। तो फिर से हम वही करने वाले हैं, पर इस बार कुछ यूनिक होगा। यूनिक बोले तो जैसे कि इस बार आपको नए नए एक्टर से मिलाऊंगा, सारा नहीं बताऊंगा यार, नहीं तो आप वीडियो बंद कर दोगे, मेरे को पता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज मिलाता हूँ अब्बू से, ये अपना एडी है। अब्बू भाई क्या हाल चाल? मस्त मस्त। ये एक नंबर आदमी है। और भाई कहाँ पर इतने दिन कहाँ पर थे? बुखार था भाई, बुखार था, सच्ची बुखार था, तो दिखा रहा चेहरा अपना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुखार वाले हालात नहीं है। गाइस आ चुकी है ड्रेस, ड्रेस उस दिन वाली है, क्योंकि उस दिन के हमारे थोड़े बहुत सीन बाकी थे, इसलिए आज उसको पूरा करेंगे। तो पहनते ड्रेस, फिर मिलता हूँ। फादर साहब का रोल कर रहे हैं, बहुत नाइस बंदे। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये मेरा बेटा भी थोड़ा नाइस ही है। सर तारीफ से ज़्यादा क्या बोलूँ सर, तारीफ थी बेस्ती। जो मर्जी समझ ले भैया, तू अपने हिसाब से समझेगा तो देख ले। समझ गया। तो हमारे साथ ये हमारे रमेश जी, आपने इनको देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में। और इधर लो, हमको भी सिखाओ यार ब्लॉग में। बस शूटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा मेरा सीन था वो हो चुका है, अभी आया डबिंग वाला, कहते हैं कि डबिंग आपकी रहती है, थोड़ी बहुत डबिंग कर दो। फिर से डबिंग आ गई, चलो कोई नहीं, जाकर डबिंग देते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस ये अपने तिया मेरिया के, आपने को देखा होगा टीवी में। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, या मैं तिया मेरिया का युवराज सिंह पटेल हूँ, और आई होप कि आपको हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए ताकि हम आपको फुल ऑन एंटरटेन करें। और खिला लोगे ना पक्का? अरे सबको खिलाएंगे। आज चैट में आ रखे गोलगप्पे। गाइस रात के बज रहे हैं 2, और अभी तक शूटिंग चल रही है। भाई ऐसा ही है शूटिंग लाइन में भाई, टाइम की मतलब तुमको पता भी नहीं कि टाइमिंग कब जा रहा है, टाइम कब आ रहा है, कुछ नहीं पता, सिर्फ काम। तो देखते हैं भाई, अब तक पैकअप हुआ नहीं है, देखते हैं फिर कब तक पैकअप होता है। अभी 2 बज रहे हैं, पूरे 2 बज रहे हैं, देखते हैं, शायद उम्मीद है कि 3-3:30 तक हो जाएगा। सो गाइस पैकअप हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 4। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर मैं आता रहूँगा। थैंक यू।